IFTI ले रखा था समय। ओके ठीक है, 10,000 के आसपास का मुनाफा इस वक्त हो रहा है। रवि, IFCI कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? वैसे तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है कंपनी में, काफी ज्यादा यहाँ पर दबाव भी देखने को मिला है, लेकिन इनको मुनाफा हो रहा है। लकी है ये, 2000 शेयर्स इन्होंने 10 के लेवल पर ले लिया था और 15 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो अभी क्या करना चाहिए, निकल जाए या फिर कंपनी में कुछ पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है इस वक्त IFCI में? पूजा जी, आपने एकदम सही कहा, नंबर्स अट्रैक्शन पे नहीं है और जनरली इस तरीके की कंपनी में लोग निवेश इसलिए करते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म पे कैपिटल भी बढ़े और खास तौर से डिविडेंड एक इनकम होती रहे, और इन दोनों चीजों पे ये स्टॉक जो है वो फिट नहीं बैठता। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और अपनी पोजीशन यहाँ पर एक बार एग्जिट करनी चाहिए। सजेशन मैं जरूर दूंगा, अगर आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक में जाना चाहते हैं तो आपके लिए REC ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, NMDC आपके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आप उनकी तरफ भी जा सकती है, गवर्नमेंट की कंपनीज है और काफी स्ट्रांग जो है वो फंडामेंटल भी है, तो आगे डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा देखने को मिल सकता है और बहुत कांस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आप वहां पर अपना फंड स्विच कर लीजिए और इससे एक बार निकल जाइए, क्योंकि इसके नंबर्स काफी पुअर हैं, अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी काफी घटी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस भी देखने को मिला है और कंपनी में जैसा पूजा जी आप कह रही हैं कुछ बचा नहीं है, तो जब बचा नहीं तो प्रमोटर मत बनिए, एग्जिट कर लीजिए और दूसरे स्टॉक पर स्विच करके फिर से प्रॉफिट को एंजॉय करिए।